हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम माय व्यू। मैं हूँ नीलू। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, जो कि सबको पसंद होता है और ये बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 3 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया है, इनका छिलका निकाल दिया है। अब इनको हम मैश कर लेंगे। तो एक बर्तन में मैं इसको ले लेती हूँ और इसको मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे। आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो आलू अच्छे से मैश कर लिए हमने। अब इसके अंदर हम मसाले मिक्स करेंगे। तो 1/2 टीस्पून लेना है नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हमें बेसन का एक घोल तैयार करना है। उसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप बेसन। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालना है। नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है। और इसमें हम 1 चुटकी सोडा डालेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। लम्स फ्री होना चाहिए ये, बिल्कुल इसमें गठान नहीं होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इस तरीके से मिलाते जाएं। तो देखिए हमारा ये घोल भी रेडी है। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये वाइट ब्रेड लिए हैं। आप इसे ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब एक ब्रेड लेनी है, इसको इस तरीके से बीच में हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमने एक ब्रेड के 2 पार्ट कर लिए हैं, बीच में से हमने इसको कट कर लिया है। तो अब हमें स्टफिंग करनी है। तो ये आलू का मसाला जो हमने बनाया था ये थोड़ा सा लेंगे और एक ब्रेड के पार्ट पर हमको इस तरीके से इस पर लगाना है। तो पूरे पे इस तरीके से स्प्रेड कर दें इस मसाले को। तो ये देखिए पूरे मसाले को अच्छे से लगा दिया है। अब दूसरे ब्रेड को इस पर लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा ब्रेड रेडी है। अब हम दूसरा भी बना लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे और हम जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हमको इस घोल में जो हमने बेसन का बनाया था इसमें इस तरीके से ब्रेड को डालेंगे और पूरी तरीके से इस घोल को इस पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और हम कढ़ाई में इसे फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो ये देखिए मैं एक और बताती हूँ। इस तरीके से घोल में डालना है और सीधे हमको कढ़ाई में इस तरीके से इसे छोड़ देना है। ब्रेड को ज़्यादा देर घोल में नहीं रखना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। ये बहुत जल्दी पकने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है ये। ये देखिए हमारे ब्रेड पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। ब्रेड पकोड़ा बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे ब्रेड पकोड़े तैयार हैं, आप इसे गर्मा गर्म चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।